नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत जो प्रेम काव्य की परंपरा है, प्रेमाख्यान की जो परंपरा है, जिसको निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी संत काव्यधारा भी हम कहते हैं, उसी की प्रमुख विशेषताओं पर और दर्शन पर विचार करेंगे। यहाँ मैं आपको सूफी काव्य नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ आपको प्रेम मार्गी साहित्य का काव्य का अध्ययन नहीं कराने जा रहा हूँ, बल्कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इस धारा का क्या योगदान है और इस धारा की क्या विशेषता है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसको कई नामों से हम जानते हैं, प्रेम मार्गी धारा, सूफी शाखा, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, जैसा कि हमने कहा सूफी काव्य के रूप में ये बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो भक्ति की यह धारा है, उस भक्ति की धारा में प्रेम सर्वोपरि है और इसमें सूफी कवियों ने एक रूपक का इस्तेमाल किया है, कथाएं लिखी हैं, कथा काव्य की रचना की है और उसके माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है प्रेम। अच्छा, जो सबसे बड़ी विशेषता है इस धारा की कि इसमें मुस्लिम कवि भी हैं और हिंदू कवि भी हैं और इन सब लोगों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने की बात की। अंतर केवल यहां इतना ही है कि जो आराध्य है वो नायिका के रूप में आई है, जो आराधक है वो पुरुष के रूप में आया है और जो संसार की माया है, जिस माया के भवबंधन को तोड़कर आगे निकलना है, वह भी स्त्री पात्र है। आप याद कीजिए पद्मावत को, मलिक मोहम्मद जायसी की ख्यात कृति पद्मावत को, उसमें जो रत्नसेन है, वो रत्नसेन सपने में भी देखता है और सुख संवाद भी होता है और वो नागमती को छोड़कर पद्मावती की खोज में निकल पड़ता है। ये एक लोक कथा के रूप में प्रचलित रहा है और ये चित्तौड़ का जो राजा था रत्नसेन, ये सिंघल द्वीप की राजकुमारी से मिलने के लिए जाता है। उसको कई रास्ते में परेशानियां होती हैं लेकिन अंततः मिलन होता है और इधर नागमती विरह वियोग में तड़पती। मूलतः यह एक लौकिक कथा है, एक श्रृंगार काव्य है जिसमें सभी श्रृंगारिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नक्षक वर्णन है, इसमें विरह है और इसमें नायक की विह्वलता है। तो यह ठेठ भारतीय परंपरा का प्रेम कथा काव्य है। आमतौर पर और खास तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा कि यह मसनवी शैली में लिखा गया साहित्य है और ये इस्लाम से प्रभावित है, इसीलिए इसमें आराध्य स्त्री है और आराधक पुरुष है।
लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कुछ भ्रम हुआ, कैसे उनके सामने से भारतीय परंपरा छूट गई। ऋग्वेद से लेकर और पद्मावत तक, या उसमें पृथ्वीराज रासो को भी जोड़ लीजिए, नायक नायिका के पास जाता है अपने गार्हस्थ धर्म को छोड़कर और विवाहेतर संबंध स्थापित करता है। अब सवाल ये उठता है कि बात ये आई कि जो गार्हस्थ प्रेम है, जिसके आदर्श हैं श्री राम, और उन्होंने गार्हस्थ के लिए कई आदर्श निर्मित किए हैं, वो तो भारतीय परंपरा है, लेकिन यह जो अपनी पत्नी को छोड़कर और प्रेमिका की खोज में निकल जाना है, उन्मुक्त प्रेम की खोज में, स्वच्छंद प्रेम की खोज में, वह भारतीय परंपरा नहीं। अब अगर हम अपनी परंपरा को खंगालें और अपने सभी कथा काव्यों को ऋग्वेद से लेकर उर्वशी और पुरुरुवा का प्रेम देख लीजिए, महाभारत में नल और दमयंती का प्रेम देख लीजिए, पुराणों में उषा और अनिरुद्ध का प्रेम देख लीजिए, प्रभावती और प्रद्युम्न का प्रेम देख लीजिए, और राधा और कृष्ण का प्रेम देख लीजिए। इसमें तो कहीं दाम्पत्य भाव नहीं है, प्रेम भाव है। गार्हस्थ भाव नहीं है, प्रेम भाव है। और यदि यही देखना है कि सूफी काव्य में गार्हस्थ जीवन से बाहर निकलकर प्रेमिका की खोज में नायक निकल पड़ता है, और ये माना जाए कि यह अभारतीय है, यह बिल्कुल गलत है। यह भारतीय परंपरा के अनुसार ही है। चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन और उसके द्वारा नायिका की खोज में निकल जाना और नायक का संघर्ष करना, अब इसको आप अलौकिक रूप में व्यक्त कीजिए। ईश्वर ने दर्शन दिया और हम ईश्वर की खोज में निकल पड़े, और रास्ते में कई संकट आए, भव बाधाओं को हमने छोड़ दिया, क्योंकि बिना भव बाधा को छोड़े हुए आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार जो सूफी साहित्य जिसको कहा गया, और ये कहा गया कि ये जो प्रेम इसमें वर्णित किया गया है, यह प्रेम इस्लाम की देन है, तो मैं ये कहूंगा कि इतने उन्मुक्त प्रेम की गुंजाइश इस्लाम में तो है ही नहीं। ये तो भारतीय परंपरा में ही उन्मुक्त प्रेम की गुंजाइश है। वासव दत्ता, कादंबरी, दश कुमार चरित, हरिवंश पुराण और महाभारत की कितनी कथाएं सब दाम्पत्य जीवन से बाहर की कथाएं, भीम और हिडिंबा की कथा, जो एक बहुत कथा काव्य की जो जिसने परिभाषा दी रुद्रट ने, उसने ये कहा कि कथा काव्य का लक्षण ही उसने बताया कि नायिका की प्राप्ति के लिए संघर्ष, नायिका से प्रेम और उस इस प्रेम प्राप्ति के लिए संघर्ष, वाटिका में नायिका से मिलन, नैनों से नैनों का संभाषण और उसके बाद ये प्रेम। दूसरी जो
बात सूफी काव्य के लिए कही जाती है कि इसमें मुस्लिम ज़्यादा है, मुसलमान कवि ज़्यादा है, लेकिन अद्यतन शोध से यह सिद्ध हो चुका है कि जो प्रेमाख्यान काव्य है उसमें 50 से भी ऊपर कवि हैं और जिसमें ज़्यादातर 2/3 तो हिंदू हैं। मुसलमानों की संख्या, कवियों की संख्या तो बहुत कम है। हम ये कह सकते हैं जरूर कि भारत में जब इस्लाम आया तो उसने भारतीयता को प्रभावित उतना नहीं किया जितना भारतीयता ने इस्लाम को प्रभावित किया, नहीं तो सूफी काव्य में संगीत कहां से आता? भजन जो भारतीय परंपरा में थी वही सूफी काव्य में जाकर ईश्वर को प्राप्त करने का संगीत के माध्यम से एक माध्यम बना। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है, तो प्रयोजन क्या है, एक प्रेम कथा लिखना या इसके माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग को तलाशना? मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, ओ मन जानी कवित असकीना, मैं ऐसा कवित कर रहा हूं, मैं ऐसी कविता लिख रहा हूं, मकु यानी यह रहे जगत मह चीना, यानी मैं इस दुनिया को, इस विश्व को पहचान सकूं, पहचानने के बाद भाव बाधा को और माया को तोड़ सकूं और ईश्वर तक पहुंच सकूं। इस तरह की जो संघर्ष कथा है वो असल में बृहत कथा, कथा सरिस सागर और भारतीय कथा परंपरा और कथा रूढ़ियों से प्रभावित है। कथा में भारतीय वातावरण है, हिंदू समाज है और यहाँ पर भारतीय समाज में बहुविवाह, पुरुषों का बहुविवाह और स्त्रियों का एक पतिव्रत निवाह, एक पति के साथ रहने की परंपरा रही है। नायक और खलनायक, इसका भी आविर्भाव भारतीय कथा परंपरा में दिखाई पड़ता है। स्त्री का विरह और खास तौर पर स्त्री का नक्षिक वर्णन, और ये जो नक्षिक वर्णन है वह नक्षिक वर्णन इस्लाम या अरब से आई हुई कथा में नहीं है। ये जो रूप वर्णन है वह भारतीय कथा परंपरा का भी हिस्सा है। इसमें रत्नसेन और पद्मावती का जो प्रेम है वह प्रेम स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, लौकिक भी है, अलौकिक भी है। नागमती का विरह भी लौकिक और अलौकिक दोनों ही है। एक जो रूपक बांधा इन कवियों ने भारतीय कथा परंपरा से लेकर, क्यों बांधा? क्योंकि निर्गुण भक्ति को कहीं ना कहीं आलंबन चाहिए। सगुण भक्ति को तो आलंबन है, मंदिर है, मूर्तियां हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति को भी तो कोई आलंबन चाहिए जन जन तक पहुंचने के लिए। तो सूफी कवियों ने या प्रेमाख्यान रचने वाले कवियों ने ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम इन कथाओं को, प्रेम कथाओं को बनाया, और उस समय ये प्रेम कथाएं बहुत प्रचलित थीं और इस लौकिक प्रेम कथा को पढ़कर अलौकिक अनुभूति करना यही उद्देश्य था उस समय के कवियों का। और ये जो कवि हैं वो
इस्लाम से नहीं बल्कि अद्वैत वेदांत हठ योग और योग साधना से प्रभावित। इस्लाम से इनका बहुत कम लेना देना था, ज्यादा से ज्यादा चार आना। और भी जो रचनाएं लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम अखरावट, उसमें भी इसी काव्य इसी प्रेरणा का, इसी भावना का उद्बोधन किया गया। तोता आता है हीरामन और उसकी बात सुनिए कि कैसे रत्नसेन प्रभावित होता है। सुनु हीरा मन कहो बुझाई, दिन दिन मदन मदन सतावे आई। जो बन मोर भयो जस गंगा, दे दे हम लाग अनंगा। कमल भवर ओही बन पावे, को मिलाई तन तप बुझावे। इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, मदन काम देवता और कमल भंवर वही बने पावे, को मिलाई तन तप बुझावे। यहां तन के तप को बुझाने की बात हो रही है लौकिक रूप में, लेकिन अलौकिक रूप में यह जो मन का तप है, मन का ताप है, उसको बुझाने की बात हो रही है। इसके अलावा जो दूसरे प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, मंजन कृत मधुमालती, कुतुबन कृत मृगावती, मुल्ला दायऊद का चंदायन, ईश्वरदास की सत्यवती कथा आदि, ये सब लोग खास तौर पर मंजन, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, जायसी, ये सब जौनपुर और उसके और रायबरेली के आसपास रहने वाले थे, इसलिए उनकी भाषा अवधी थी। अब क्या हुआ, अवधी और फारसी का संगम हुआ। कैसे, ये अवधी फारसी में लिखी गई, लेकिन इस अवधी को उर्दू नहीं कहा गया, इस अवधी को हिंदी ही कहा गया और एक ही लिपि में, अलग अलग लिपियों में एक ही भाषा लिखी जाने लगी, लेकिन भाषा का स्वरूप नहीं बदला। और वो ठेठ अवधी का प्रयोग जायसी ने किया है और इस ठेठ अवधी में उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने की का मार्ग दिखाया है। तो सूफी काव्य की जो विशेषताएं हैं उसमें प्रेम की पीड़ा की बात की गई। आप याद कीजिए घनानंद भी, आगे जब आप पढ़ेंगे रीति काव्य, घनानंद भी इसी प्रेम की पीड़ा की बात करते हैं। विरह की बात है, लौकिक प्रेम की बात है, जो हमें अलौकिकता की ओर ले जाता है। प्रेम का स्तर इतना ऊपर उठ जाता है कि वह भक्ति तक पहुंच जाता है। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, मनुष्य का जो प्रेम है, मनुष्य का जो प्रेम है वो बैकुंठ तक पहुंचाने वाला है। ये जो साधना है, यह साधना एक यात्रा है, जैसे मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। इन कवियों ने अपने काव्य में एक रहस्यानुभूति, रहस्य का आवरण बनाया और उस रहस्य के आवरण को बनाकर उस रहस्य को उद्घाटित किया। और इसका कारण ये था कि वो ईश्वर को के निर्गुण भाव का प्रचार कर रहे थे और ये बता रहे थे कि ईश्वर उस रहस्य के पर्दे के पीछे रहता है जिसका उद्घाटन हम कर रहे हैं। ये जो भाषा थी, कहीं ब्रज और फारसी और कहीं राजस्थानी और गुजराती, हंसावली नाम की एक रचना 1370 ईस्वी में असाहित
नाम के कवि ने इसकी रचना की थी, उसमें राजस्थानी और गुजराती का समावेश। आप देख लीजिए कि हिंदी भाषा कैसे बन रही है, राजस्थानी की से भी उसका ताल्लुक है, गुजराती से भी उसका ताल्लुक है, अवधी से भी ताल्लुक है, और इस तरह लोक भाषाओं से मिलकर हिंदी भाषा का निर्माण हो रहा है। और असाईद बोलता है कि मेरी रचना का जो स्रोत है वह स्रोत है विक्रम बैताल। अब देखिए किस तरह से भारतीय परंपरा से ये सारी कथाएं जुड़ रही हैं। ये कविताएं जो हैं राजाश्रय में नहीं बल्कि लोकाश्रय में लिखी गई, माने लोक में ही इसका ये समाहित है, लोक से ही यह निकला है, लोक भाषा में लिखी गई है कविताएं। और जितनी भी दार्शनिक धार्मिक नैतिक काव्यशास्त्रीय ज्योतिष वैद्यक सब शामिल है इसमें, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख है मध्यकालीन संस्कृति और लोक जीवन। एक बात और देखने की यहां जरूरत है कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनमें से अधिकांश के नाम नायिकाओं के नाम पर हैं, जैसे चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती आदि। तो इस प्रकार जो रचनाएं इस समय लिखी गईं उन रचनाओं में प्रेम की अनुभूति थी, लेकिन यह प्रेम की अनुभूति अभारतीय नहीं थी बल्कि भारतीय साधना पद्धति का ही यह विकास था। पद्मावती में जो भारतीय साधना पद्धति दिखाई गई उसमें रत्नसेन मन का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है और नागमती सांसारिकता का प्रतीक, और अलाउद्दीन जो है वो आसुरी शक्तियां हैं। अब इनको मिलाकर समस्त जगत को, समस्त संसार को और भक्त और ईश्वर के संबंध को समझने की कोशिश की गई, जो ये रूपक काव्य बनाया गया है और ये दार्शनिक प्रतीक जो निर्मित किए गए हैं और जो प्रतीकार्थ निर्मित किए गए हैं वह ईश्वर की अगूढ़ता को, माने ईश्वर कितना गूढ़ है, ईश्वर कितना अगम है, इसको यह दिखाने के लिए बताया गया है, जो रहस्य बनाया गया है। देखिए मैं एक पद पढ़ता हूं, मैं एहि अरथ पंडितन बूझा, कहा कि हम किछु और न सूझा, तन चितउर मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। अब जो ये तोता है, जो हीरा मन है, कहा कि तो गुरु है ना, यही गुरु तो रत्न सेन को, जीव को परमात्मा के पास ले जाता है, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। और जो गुरु की जो परंपरा है वह गुरु की परंपरा भारतीय परंपरा है, जिसकी चर्चा गुरु का महात्म्य सगुण निर्गुण संत प्रेम प्रेमाख्यान सूफी कवि सभी करते हैं। यहां भी देखिए, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बंधा। मतलब अब आपके सामने ये बात समझ में आ रही होगी कि क्यों इस तरह का कथा काव्य रचा, क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसको इसे पढ़ने में रस भी मिले और इसके माध्यम से वो अलौकिकता की भी अनुभूति कर सके, ईश्वर की प्राप्ति की ओर भी बढ़ सके। प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझ ले जो बूझ ही पारो,
मैं तो प्रेम कथा कह रहा हूं, लेकिन जिसको ईश्वर की प्राप्ति इसमें से करनी है वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। बूझ ले जो बूझ ही पा रहो, माने जो बूझ सकता है इसकी गूढ़ अर्थ को वो बूझ ले, समझ ले। और सबसे बड़ी बात है कि इन कथाओं में भारतीय दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, पाकशास्त्र सारा कुछ समाहित है, इसमें इतिवृत्तात्मकता है। और ये सारे ग्रंथ उच्च कोटि के प्रबंध काव्य हैं। मंजनकृत मधुमालती को ले लीजिए, नायक नायिका एक दूसरे को देखते हैं और प्रेम हो जाता है, प्रणय संस्कार में बन जाते हैं और वह मधुमालती को प्राप्त करने के लिए तमाम तरह के कष्ट सहता है। तो प्रेमाख्यान की जो परंपरागत रूढ़ियां हैं उन परंपरागत रूढ़ियों का पालन किया है इस काव्य में। तो एक बहुत बृहद कथा कही गई है इसमें, इस प्रेमाख्यानक काव्य में। और इसका एक ही उद्देश्य है, जैसा कि मैं बराबर बोल रहा हूं, ईश्वर की प्राप्ति। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रहस्यानुभूति के देना चाहता हूं। जायसी का एक उदाहरण दे रहा हूं, विरह और वेदना और मिलन की आकांक्षा के लिए। पियु हृदय में भेंट न होई, कोरे मिलाओ कहो का रोई, यह तन जारों छार के कहो की पवन उड़ाओ, मकुत ही मार्ग उड़ी परे कंत धरे जह पाओ। धरे गोई ही, अब मंझन लिखते हैं, धरे गोई ही ये प्रेम कैपूरी, को दे भेद जगत चढ़े सूरी। कह रहे हैं कि इस प्रेम भाव को पहचानो, इस प्रेम भाव को पहचानने के बाद ही आप इस विरह से दूर हो सकेंगे। जब लगी विरह न हो ई तन ही न उपजई प्रेम। ये विरह क्या है? यह सांसारिकता है, यह माया है, और ईश्वर से बिछुड़ने का विरह है। ही न उपजई प्रेम। तो इस विरह को कैसे हम दूर कर सकते हैं? हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम के माध्यम से। तब लगी हाथ न आव तब करम धर्म सतनेम। बिना इसके आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो प्रेम की पीड़ा, विरह और रहस्यानुभूति, इन सब के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की गई है। यह भी कहा जाता है कि शरीयत की जो चार अवस्थाएं हैं, सूफियों ने रहस्यानुभूति में जो शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत आदि का उल्लेख किया है, वह उनकी परंपरा है। चार ही बसेरे सो चढ़े सत सो उतरे पार आदि सर्व व्यापकता की बात वो करते हैं। उन बानन असको जो न मारा, बेद रहो सिगरो संसारा, बहुतय ज्योति ज्योति ओहि भई। अब आप इन सबको, बहुते ज्योति ज्योत ओहि भई, रवि शशि नखत दीपत ओहि ज्योति, अब ये हमारे जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो उपनिषद है, सब उसी से ये ग्रहण किया गया है। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भक्ति आंदोलन है, वो भक्ति आंदोलन चाहे कबीर के माध्यम से आया हो, चाहे जायसी के माध्यम से आया हो, दोनों ही निर्गुण कवि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए माया के बंधन को काटने का प्रयास करते हैं। कबीर जहां पर छोटी छोटी उक्तियों का प्रयोग करते हैं, साखियों और शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं
जायसी प्रबंध काव्य के माध्यम से, कथा और कथा रूढ़ियों के माध्यम से जनता को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। मार्ग अलग अलग हैं, कहने का ढंग अलग है, लेकिन जो निर्गुण काव्य परंपरा है उस निर्गुण काव्य परंपरा में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस भाव बाधा को दूर करना है, इसे दूर करके ही, इस माया को दूर करके ही हम पहुंच सकते हैं ईश्वर के पास। प्रेम के बिना ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, ये कबीर भी कहते हैं और ये जायसी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्गुण परंपरा है उस निर्गुण परंपरा में प्रेम के माध्यम से, कथा के माध्यम से और लोकोक्तियों के माध्यम से, जनभाषा के माध्यम से लोगों को ईश्वर का भाव, ईश्वर की उपस्थिति का भान कराया गया और ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत किया गया गुरु के माध्यम से। गुरु की महत्ता जायसी भी बताते हैं, कबीर भी बताते हैं। यानी गुरु के माध्यम से, जैसे जायसी में तोता जो है वो गुरु है, वो रत्नसेन को ले जाता है। तो गुरु की महत्ता गुरु के माध्यम से, तो निर्गुण कविता में गुरु का विशेष महत्व है, वही मार्ग दिखाता है, माया को तोड़ना है और इस संसार का जो रहस्य है उसको जो खोल लेगा वह ईश्वर के दर्शन कर लेगा, उस निर्गुण को खुद अपने भीतर स्वानुभूत कर लेगा, उससे उसकी मुलाकात हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने निर्गुण भक्ति का हिंदी साहित्य के विकास में क्या योगदान है और इसकी क्या विशेषताएं हैं इससे परिचित हो चुके हैं। आप इससे जुड़ी इकाइयां भी पढ़िए, हो सकता है कि मैंने जो बातें कही हों वो उनसे कुछ इतर हों, और यही इस कार्यक्रम की उपलब्धि भी है। आप खुद जरूर सोचें, हमारी बात भी अंतिम नहीं है, किताबों में लिखी हुई बात अंतिम नहीं है। आप खुद सोचें कि निर्गुण भक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं और फिर जब अपना उत्तर तैयार करें तो मेरी कही हुई बात, पुस्तकों में कही हुई बात को संजो कर रखें और उसमें अपनी मौलिकता भी प्रदर्शित करें। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।